फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पुरस्कारों का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आई बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं या इंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि जनवरी 2020 में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा संयुक्त रूप से की गई है और जिनका नाम है पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। तो दो लोग यहाँ पे हैं। और उसके बाद में पहले वीडियो में हमने लास्ट सवाल की बात की थी कृषि कर्मा पुरस्कारों को लेकर के, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और सवाल हैं कि जैसे यहाँ पर पहला सवाल ये लिखा है कि चावल उत्पादन में कृषि कर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है पंजाब को। और ओवरऑल में कृषि कर्मा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो वो मैंने पहले वीडियो के आखिरी सवाल के रूप में उसको बताया था, वो था उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला है कि किस राज्य को गेहूं उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गेहूं उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है बिहार को। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हरित क्रांति हुई थी तो उस समय जो है खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब जैसे जो राज्य थे वो आगे थे, लेकिन यहाँ पर चावल उत्पादन में पंजाब को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है कृषि कर्मण पुरस्कार के रूप में, और जो है बिहार को जो है गेहूँ के मामले में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। अगला है कि किस राज्य को दलहन उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है पीसीएस जैसी परीक्षाओं में या अभी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। अगला है कि किस राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी एक में प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगला है कि 26 जनवरी 2020 को 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। इस एल्बम का क्या नाम है? एल्बम का नाम है व्हेन वी ऑल फॉल असलीप व्हेयर डू वी गो। ये पूरे का पूरा एल्बम का नाम है और जिसके गीतकार रहे हैं उनका नाम है बिली इलिस, तो इन गीतकार का नाम है। अगला है कि इसमें किसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैड गाई, जो कि गीतकार बिली इलिस ही हैं, यानी कि दोनों जो उपलब्धि प्राप्त करने वाले एक ही व्यक्ति हैं। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सॉन्ग ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है बिली इलिस को। और सॉन्ग क्या है? तो इसका नाम है बैड गाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने किसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार की बात हो रही है, केंद्र सरकार ने देश की 10वीं और अति महत्वपूर्ण बड़ी झीलों को रामसर साइट घोषित किया है। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल कितने झीलें हो गई हैं? तो रामसर साइट जो है उसमें अब टोटल की टोटल जो है 37 झीलें शामिल हो गई हैं। अगला कि 23 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष व्यक्तिगत श्रेणी में किसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमार मुन्नन सिंह। और देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल क्या है कि 14 जनवरी 2020 को किसे पहले एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हरित क्रांति के जनक, भारत में जो कृषि के हरित क्रांति के जनक रहे हैं उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को पहले एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है या 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो वर्ष 2018 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को, वहीं 2017 का प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। MPPSC में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड किस के द्वारा दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर राष्ट्रीय लगा हुआ है तो मान लीजिए विकल्प में केंद्र सरकार दे दें या राज्य सरकार दे दें, और राज्य सरकार ना दे करके UP MP इस तरीके से ऑप्शन बना देंगे, तो ध्यान रखना है ये MP के द्वारा दिया जाता है और नाम है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड। और राष्ट्रीय लगा है तो हो सकता है उसके लिए कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में पैदा हो जाए। 3 दिसंबर 2019 को किसे यूनिसेफ द्वारा डैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रियंका चोपड़ा हैं। 2 दिसंबर 2019 को 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है अंग्रेजी के लेखक
टोनी जेसफ को, और इनकी बुक का नाम है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। तो ये बुक है, हो सकता हो बुक का नाम भी पूछ लिया जाए। अगला है कि 29 नवंबर 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्रदान किया जाएगा मलयालम भाषा के कवि अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी को। नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के नाम है अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी। 28 नवंबर 2019 को किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्रदान किया जाएगा डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को, उनके काव्य संग्रह आँख ही यौरा हरियल सपना के लिए। देखिए ये उनका काव्य संग्रह है आँख ही यौरा हरियल सपना। 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन जिसका नाम है पेटा, और पेटा का देखिए पूरा नाम है पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा के इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित हुए हैं विराट कोहली। 19 नवंबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ब्रिटिश प्रसारक एवं प्रकृतिवादी, इनका नाम है सर डेविड एटन बरो। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, डेविड एटन बरो इनका नाम है, जिनको 2019 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार प्रदान किया गया है। नवंबर 2019 में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड में भारत के लिए प्रदेश पुलिस की किस आपात सेवा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा जिसका नाम 112 है, इसे प्राप्त हुआ है। 16 नवंबर 2019 को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। किस पुरस्कार के तहत प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। 24 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 का सखारोह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो सखारोह पुरस्कार 2019 का प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है इल्हाम तोहती, जो कि चीन से संपर्क रखने वाले हैं। 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है नासिरा शर्मा को, उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। और देखिए इल्हाम तोहती, इसको इसलिए मत सोचना कि चीन से भारत का कंट्राडिक्ट चल रहा है, इसमें विवाद चल रहा है तो पूछा ना जाए। हो सकता हो ऐसे मुद्दे जब हाईलाइट रहते हैं तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हो सकता हो पूछ लिया जाए। अगला है कि 2 नवंबर 2019 को किसे द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 के प्रदान किया गया है। द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है माधुरी विजय को। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका में रह रही भारतीय लेखिका माधुरी विजय, उनके पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार का क्या नाम है, तो पुरस्कार का नाम है द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। 16 जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है वासुदेव माही को, जो कि सिंधी साहित्यकार हैं। और किस रचना के लिए इनको प्रदान किया गया है, तो इनका कहानी संग्रह है चेकबुक, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, जो कि 29वां सरस्वती सम्मान है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये वर्ष 2019 का है। और देखिए एक सवाल और आ गया, जिसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले किया जा चुका है। 15 जनवरी 2020 को भारतीय अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता। तो इस उपन्यास का नाम है द फार फील्ड। ध्यान रखिएगा वार फील्ड नहीं है, द फार फील्ड है। अगला है कि जनवरी 2020 में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड स्पिरिट बर्ड के लिए यूके के कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है जसविंदर बिलान, जो कि भारतीय मूल की लेखिका हैं। सवाल पूछा जा सकता है, देखिए विदेशों में अगर किसी भारतीय मूल के लोगों को सम्मानित किया जाता है तो ज़रूर पूछा जाता है सवाल। अगला है कि 5 जनवरी 2020 को 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में, ध्यान रखिएगा मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा वंस अपॉन ए मुंबई नहीं है, फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, एन हॉलीवुड है, इन नहीं है, ध्यान रखिएगा एन हॉलीवुड है। इसमें अगला है, इसी फिल्म से रिलेटेड है, कि इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म
का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मूवी का नाम है 1917, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जो बैकग्राउंड थी, जो उस समय की जो है ग्राउंड रिपोर्ट थी, उस पर जो है फिल्म को बनाया गया है। 18 दिसंबर 2019 को किसे उनके कविता संग्रह जिसका नाम है छीलते हुए अपने को के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को चुना गया है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है कि डॉक्टर नंद किशोर आचार्य का कविता संग्रह जिसका नाम है छीलते हुए अपनों को, तो ये मिलान करने के लिए आ सकता है छीलते हुए अपने को, और स्पेशली टेट वेट की परीक्षा में तो इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। अगला है कि 18 दिसंबर 2019 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक शशि थरूर को उनके किस कथेतर गद्य कृति के लिए अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या नाम है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, और राइटर कौन है? शशि थरूर। अगला है 15 दिसंबर 2019 को किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। 14 दिसंबर 2019 को यूके के लंदन में संपन्न हुई मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एनसिंग ने जीता है ये खिताब। दिसंबर 2019 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रदान किए गए 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को इसके लिए चुना गया है। क्रिस्टल अवार्ड 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके जो प्रयास थे उसके लिए चुना गया है। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया है, जो कि स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री हैं। देखिए, इनका नाम मिलान करने के लिए अक्सर आता है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। अगला है कि 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा, जो कि जॉर्जिया में पड़ता है, अमेरिका में संपन्न हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी ने यह खिताब जीता है। और अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ पर ध्यान रखना है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार है, तो ये प्रदान किया जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, जो कि हिंदी साहित्य के पूर्व अध्यक्ष हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 6 दिसंबर 2019 को प्रदान किए जाने की घोषणा की, यानी कि अब उनको प्रदान किया जा चुका है।